धमाल वाली गाड़ी। आज हम लोग जा रहे हैं एक पहले हाय करो धमाल वाली गाड़ी। हम लोग जा रहे हैं नाइट आउट करने, मतलब प्लान तो हमारा नाइट आउट का ही है, लेकिन हम मतलब अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है कि हमें जाना ही कहाँ है। हम बस निकल लिए हैं और देखते हैं कि मतलब अब क्या आगे होता है। फिलहाल तो ये ब्लॉग की जो शुरुआत है, तो मैं आपको एक हाय हेलो वेलकम देना चाह रहा था ताकि आप मिल लीजिए। ये डॉक्टर हैं, इनको हम लोग प्यार से ड्राइवर बुलाते हैं। ये डॉक्टर ड्राइवर बोलना चाह रहे हैं। ये पोस्ट डॉग है, ये ट्रेडर है, और ये तो हमारे कर्मठ जुझारू प्रत्याशी है, ठीक है ना। और चलिए बने रहिए हमारे ब्लॉग में, हम आपको आगे बताते हैं कि हम कहाँ गए, क्या क्या किया, एक्टिविटीज वगैरह। ये मेरा नया एक्सपीरियंस है किसी ब्लॉगर के साथ ड्राइविंग करने का। हाँ, ये नया एक्सपीरियंस है और ये सब लोग मेरे ब्लॉग में आपको पहले दिखे होंगे, चांदनी चौक वाले ब्लॉग में दिखे होंगे, ठीक है ना। ये पहली बार दिखे होंगे, ये फर्स्ट टाइम। चलिए फर्स्ट टाइम हो गया। चलिए ठीक है, आप बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, मैं आपको अगला अपडेट देता हूँ थोड़ी देर में। आधा घंटा हो गया है निकले हुए और पता हम कहाँ पहुँचे। हम पहुँचे पुल बंगस, ये देखिए ये पहुँचे हैं पुल बंगस, और अभी हम करोलबाग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में, और बाकी तो क्योंकि इसमें गूगल मैप चल रहा है, इसी फ़ोन पे गूगल मैप भी चल रहा है, इसी फ़ोन पे रिकॉर्डिंग भी चल रही है, तो मैं थोड़ी थोड़ी देर में आपको बताता रहूँगा कि हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं और क्या क्या करने वाले हैं। गाइस, ये मैंने ड्यूअल कैप्चर वीडियो चलाया है, देखो ये बस वाले कहाँ घुस जा रहे हैं हमारे। और आप इसमें आपको आगे का भी दिखेगा, इसमें आपको पीछे का भी दिखेगा, लेकिन वो सिर्फ मुझे दिख रहा है। आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा वो मैं अपनी एडिटिंग के दौरान चेक करूंगा, आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा। अबे भोसड़ी के रुक जा। क्या हुआ, देखिए भाई गाली गलौज हो रही है, तो मुझे लग रहा है ब्लॉग में पता नहीं मैं डाल पाऊंगा नहीं डाल पाऊंगा, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, अब बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। अभी तो मैं कैमरे के फीचर्स चेक किए जा रहे हैं। डॉक्टर इधर 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 बस घूम रही है, आनंद पर्वत जाते ना ये। ओ भाई ये तो नरेंद्र की बस जा रही है 212। पकड़ 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 जल्दी पकड़ सारे पकड़ 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 भगा 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 वापस आते वक्त ताजी जी के साथ। इसकी बनाओ ना, इतनी अच्छी लड़की लगती है। बना रहा ना भाई, बना रहा बना रहा, साइड में वो देख सुन रहा है। हां हां वो बना रहा है, सब बना रहा है भाई, बहुत सही बन रहा है वीडियो। ये सारी वीडियो मैं लूंगा और सम्मत देखो। डॉक्टर तुम मुंडी पर दिखा दियो, अब मैं देखने में मुझे भी दिक्कत नहीं है। पहले वो अब डॉक्टर फरारी मोड पे आ चुका है, वो डॉक्टर गाड़ी को इतनी तेज लगा रहा है कि देखो सामने थार आ रही है, थार को ही पीछे कर देगा यार। इसमें बता भाई, आपको सामने थार दिख रही है, वो थार को देख के डॉक्टर ने पीछे कर दिया थार को। भाई साहब देखे फरारी मोड पे आ गए हम लोग बिल्कुल, और भाई संतोष भाई की बहुत ही ज्यादा फट रही है यहाँ पे। भाई डरने की जरूरत नहीं है, ये हमारे हैवी ड्राइवर, और बहुत ही अच्छा सनसेट भी हो रहा है। अरे यार ये गाड़ी आ गई, चलिए कोई बात नहीं, आप बने रहिए हमारे ब्लॉग में, बाकी हम आपको आगे का अपडेट मिलते बताते रहेंगे। अरे भाई मैं गाइस देखिए, अभी हमको जो है ना 17 किलोमीटर का कवल और करना है, जिसमें ये जो भी गोल चक्कर है, इसे बहुत ज्यादा जाम दिख रहा है हमें यहाँ से, पूरा 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 ये ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 1.5 किलोमीटर होगा है? और हाँ, और बाकी इसके बाद पूरा लाल है, लाल है पूरा हाईवे लाल है। जो भी टाइम होगा दिया जाएगा, फिर क्या कर सकते हैं। फिलहाल अभी गुड़गांव की रोडे देखिए, गुरुग्राम और द्वारका, और हम हैं कहाँ पे, हम हैं अभी वंदे भारत मार्ग पे। तो बाकी गाइस मज़ा बहुत आ रही है, क्योंकि अभी तक कुछ एक्साइटमेंट मतलब एक्साइटेड हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने इस ट्रिप पर मज़े ढूंढ रहे हैं। मज़े तो हमें तभी मिलेंगे जब हम कहीं रुक जाएंगे। भाई साहब यहाँ अभी तो स्टार्ट तो ये आप सामने एम्स दिख रहे होंगे,
ये हमारे एक हरी हमारा एक दोस्त था हरी, उसका यहाँ से बहुत ज़्यादा आना जाना था। अब जब वो ये ब्लॉग देखा तो कसम से बहुत गरी आएगा, क्योंकि वो बेचारा ये कहते कहते कि चलो ट्रिप बनाते वो हमसे जुदा हो गया। कोई ये मत सोचना कि मर गया, मरा वरा नहीं है, वो अमेठी चला गया है पढ़ने के लिए। तो और आज ही हम ट्रिप पे निकल आए हैं और उसको भी गए हुए एक हफ्ते भी नहीं हुए हैं। नहीं देखो दिल्ली में बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन ये जाम जो आपको दिख रहा होगा ना, ये जाम मतलब बिल्कुल हालत खराब कर देता है। और समझ लो जो जो बेचारा गाड़ी चलाता है, और मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन सब लोगों की बात कर रहा हूँ जो सब लोग जाम में फंसे हुए हैं। अभी देखो ये पूरा गोल चक्कर हमें लेना है, ठीक है ना, प्लस 4 मिनट्स इसमें दिखा रहा है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि हम 4 मिनट में जाम हम पार कर पाएंगे, जितना भी टाइम हमें लगना है उसमें, ठीक है। तो मतलब इसके लिए गवर्नमेंट को कोई और अल्टरनेट निकालना चाहिए। हालांकि मैं गवर्नमेंट को भी दोष नहीं दे रहा हूँ, उसने ऑलरेडी इतने चौड़े चौड़े रोड बनवा रखे हैं कि मेरे ख्याल से एक बार में इसमें अगर आप देखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7-8 गाड़ियाँ एक साथ क्रॉस हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे आपको जितनी भी दिख रही होंगी सब लोग अपने अपने ऑलमोस्ट पर्सनल व्हीकल्स हैं, आपको एक ही दो ऑटो या कोई ऐसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिखेगा, सारी सिर्फ सबकी अपनी पर्सनल व्हीकल्स। और दूसरी चीज क्या, हर एक बंदा सिंगल निकलता है तो अकेला निकलता है, अकेले गाड़ी लेके, यूं नहीं बहनचोद कार पुलिंग कर ले। जैसे तो, हमने कर रखी है। हम तो 5 फैमिली बैठी है भाई यहाँ पे, तो हम लोग 5 लोग बैठे हुए हैं। मेरे ऊपर क्यों बैठा है भाई? भाई वही है कि ऐसे में लोगों को इस तरह के ट्रैफिक को अवॉइड करने के लिए लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मदद लेनी चाहिए। कैब वाले को बेचारे को क्या गाने चला दे यार, उसने ईयरफोन लगा रखे हैं, मदद लेनी चाहिए। और अंकल जी हेलो हेलो कर दीजिए एक बार, मेरा ब्लॉग है रक्षित तिवारी नाम से, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। मतलब फॉलोअर्स बढ़ाने यार, गुगावर उठो रात को भी आओ, हम लोग यही से कहते ना खाटू जी। यार गुड़गांव आपका स्वागत करता है। और जो खड़े हैं एकदम गुड़गांव में, देखिए आपको पीछे दिख रहा होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या है कि हमारी गाड़ी ओवरहीट हो रही है, हमारी गाड़ी जो है वो ओवरहीट हो रही है, इसे कूलेंट लीक कर रहा है, निकल रहा है, टेम्परेचर आया फिर रोकी है थोड़ी देर बाद। गाड़ी में टेम्परेचर की वार्निंग आ रही थी जिसकी वजह से हमें गाड़ी को खड़ा करना पड़ा, अदरवाइज ये बार बार बंद चालू हो रही थी। तो अभी हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, और अब अगर ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है हमारा तब तो हम आगे की ट्रिप कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज मेरे ख्याल से हमको ट्रिप नहीं यहीं पर कैंसिल करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट हमें जाना है 20 किलोमीटर और फिर उतना ही हमें वापस भी आना पड़ेगा। तो इट इज गोइंग टू बी अ लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर अस अगर हम ऐसा कुछ करने को सोचते हैं। अगर ऐसा हम कुछ करने को चाह रहे हैं तो हमें फिर उसी हिसाब से प्रिपेयर भी होना पड़ेगा। उस तक की बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में, और जैसा भी होगा आपको बाकी अपडेट बाद में देते हैं। क्या हुआ है, पूरा कूलेंट गाड़ी से बाहर निकल आया है, और एक्चुअल में क्या हो रहा है, गाड़ी बहुत ज़्यादा ओवरहीट हो रही है, ठीक है, जो इसको होना नहीं चाहिए। ये भैया हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं, और वैसे तो जितना हमें पता है उस हिसाब से तो हमने अपना पूरा कर लिया। अब देखो पानी नहीं डाल रहे हैं, देखते हैं क्या होता है, लग तो रहा है कि ट्रिप कैंसिल ही हो गई है। फाइनली बहुत मेहनत के बाद हम करीबन आधे घंटे यहाँ पे मशक्कत की, हमने आधे घंटे से ऊपर हो गया है हमें करीबन 40 मिनट के आसपास, और तब जाके हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई है। फाइनली इसका फैन वैन सब ऑन हो गया है और गाड़ी हमारी कूल हो रही है फिलहाल। तो हमें सजेस्ट किया गया है कि गाड़ी को 10 मिनट के तक ही हमको ऐसे ही चलाना है, और उसके बाद फिर हम आगे मतलब इसको कहीं लेके जा सकते हैं, लेके हम अभी भी जा सकते हैं जितना मेरे को पता है, लेकिन क्या है कि हम क्यों फालतू चांस लें अगर है तो। शुक्रिया हम इनको, इन भैया को भी कहना चाहेंगे एक शुक्रिया, क्योंकि इन्होंने काफ़ी मदद की है। और बाकी तो ये जिसकी गाड़ी है डॉक्टर के भाई को हमने वीडियो कॉल किया, उसने तो हमें थोड़ा थोड़ा सजेस्ट किया क्या करना है क्या नहीं करना है, तब जाकर के हमारी गाड़ी स्टार्ट हो पाई है। अभी इसका फ़ैन और कूलेंट सब कुछ अच्छा है, हमने कूलेंट भी डाल दिया है, तो हमें बेस्ट ऑफ लक बोलिए ताकि हम अपनी आगे की जर्नी अच्छे से कवर अप कर पाए।